सो हेलो एंड वेलकम टू गैरांस फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड, मैं अभी अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने घर पे पूजा कर ली है और मैं जा रही हूँ मंदिर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज कुछ खास है, और तो आज आप लोगों को वीडियो भी बहुत प्यारी सी मिलने वाली है। और प्यार और आशीर्वाद देते रहना आप लोग। तो चलिए, मैं जा रही हूँ मंदिर। घर में मैंने पूजा कर ली है, तो छोटी सी क्लिप आपको घर के मंदिर का भी लगा दूंगी। हम सब उतारे तेरी आरती, छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना माँ, इसे बनाए रखना सब पे करूँ। दूंगी। और अब हम जा रहे हैं, जो हमारी कॉलोनी में मंदिर है उस मंदिर पे जा रहे हैं। तो मैंने ये कुछ रेड और स्किन कलर, गोल्डन कलर कह लीजिए, इसमें मैंने कुर्ती डाल रखी है। इस तरीके की है, देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा पैटर्न है। और मैंने देखिए स्लीव्स में तो कुछ इस तरीके का है। और मैं कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं, एक भी मेकअप नहीं किया है। बस मैंने सिंदूर डाल रखा है, चूड़ियाँ मेरी वही हैं क्योंकि इसकी मैचिंग की है, तो मैं वही डाल रही हूँ। और मेरा मंगलसूत्र एंड सिंपल मेकअप लुक में हम मंदिर चलेंगे, और छोटी छोटी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बाबू है साथ में, तो मुझे उसको भी संभालना होता है। तो चलिए हम लोग मंदिर चलते हैं और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड, ये है हमारा मंदिर का बाहर का व्यू, इतना सुंदर। हमारी कॉलोनी में ग्रीनरी है एंड मंदिर का पार्क इतना ब्यूटीफुल है कि आप लोगों को क्या बोलूं। मतलब इतना प्यारा मंदिर भी है, इसकी डिज़ाइन ऐसे है जैसे, मतलब नहीं रहता क्या किला वगैरह वैसे टाइप की यहाँ की मतलब बनावट है। और बालाजी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। तो हम लोग गए थे दोपहर में, तो बंद हो गया था, बाकी यहाँ रोज़ पूजा पाठ होता है सुबह शाम। पंडित जी यहाँ के अलग हैं, तो आते हैं। कुछ इस तरीके का मंदिर है, हमने प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया और खूब सारे पिक्चर्स भी क्लिक की थी। और बाबू भी यहाँ पे खेल रहा था, ये भी फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही क्लिप दिखा पाऊँगी ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो देख लीजिए मंदिर कितना सुंदर है ना। सो फ्रेंड, हम लोग मंदिर से आए और घर में सिर्फ दाल चावल बनाए थे और उसी को खाए और थोड़ी देर रेस्ट किए 1-2 घंटे, फिर घूमने के लिए निकल गए। तो अब हम अपने मेन प्लेस में पहुँच गए हैं जहाँ हम घूमने गए हैं। तो आप लोग देख लीजिए पूरा वीडियो। हम लोग गए थे एक डैम घूमने, सॉरी नदी है, पौनार करके नदी का नाम है, बहुत अच्छा है। और बहुत ज़्यादा पानी रहता है यहाँ पे, जो आप रोड देख रहे हैं ना, इसमें पूरे में पानी भरा रहता है। हम लोग गए थे एक बार बरसात में, तो बहुत ज़्यादा पानी भरा था, बट अभी बहुत खाली खाली था है क्योंकि ज़्यादा बारिश इधर अभी नहीं आई है। इन पूरे रोडों में पानी भरा था, मतलब रोड में पूरा पानी भरा हुआ रहता है और बहता रहता है। बहुत सुंदर लगता था जब इसके पहले हम लोग गए थे, लेकिन अभी पानी काफ़ी ज़्यादा कम था, बट अच्छा था। और भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, देख सकते हैं दूर आप लोगों को पानी दिख रहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा ऐसे नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है, इस पुल के बराबर पानी मतलब रहता है, काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है। ये जिस रोड में हम चल रहे हैं ना, ये पूरी पानी से डूबी हुई रहती है। और ये जो आपको ये समाधि है, तो ये भी पूरी डूबी रहती है पानी से, इसके ऊपर से पानी चलता रहता है, बट अभी पानी बहुत ही कम था। और एक बांध है शायद, तो बांध बंधा होगा और बारिश भी ज़्यादा अभी नहीं आई है, इसीलिए हम बाबू को लिए थे। तो सोचते थे कि ज़्यादा पानी वानी ना हो, बस हम घूम के इंजॉय करके पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके चले आएंगे। तो यही सोच के साथ हम लोग गए थे और वैसा ही था, मौसम भी अच्छा था, खुला हुआ था, ना बारिश था ना ज़्यादा धूप था, तो बहुत प्यारा था। यहाँ पे देखिए आप लोग, नेचुरल पत्थर में नंदी बने हैं और नंदी के मुंह से पानी निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। प्रकृति कितनी सुंदर है यार, अपन उसको तोड़ फोड़ के और ज़्यादा मतलब सुंदर बनाते हैं, लेकिन बहुत सुंदर प्रकृति है। मतलब यहाँ पे देखिए शंकर जी के नेचुरल मतलब वो बने हुए हैं लिंग, और इतना प्यारा लगता है ना जब बारिश, और ज़्यादा बारिश हो जाती है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे वीडियो वगैरह बनवा रही थी और फ़ोटो शूट करवा रही थी इनसे, और लोग भी थे तो सब लोग फ़ोटो वोटो खींच रहे थे। मैं बोली उनको, यार मेरा पूरा वीडियो एक बनाओ, अच्छा सा मेरा पूरा आउटफिट आ जाए।
तो इन्होंने मेरी वीडियो बना दी देखिए। और इसके बाद मैं अपने पैरों को मतलब गर्मी गर्मी जैसे लग रहा था तो पानी में रख के बैठ गई थी और मैं सूट कर रही थी और कलकल की आवाज़ आती है ना पानी से, जैसे वैसे ही आ रही थी। और ये भी अपने मोबाइल में फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। हम लोग मास्क वगैरह लगाए थे और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा मतलब वो था, मतलब शांति टाइप का था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और आएंगे तो कुछ अपना। सो फ्रेंड देखिए, रास्ते में कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, वेलकम टू बरथा, और ईगल बना हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे भी मैंने हम लोगों ने खूब सारी पिक्चर्स ली है तो ये भी बहुत सुंदर सा प्लेस था, तो रास्ते में था तो मैं वीडियो। सो फ्रेंड अब हम लोग आ गए हैं होटल में और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था चाउमीन एंड जंगली पनीर, और तो यहाँ पे आ गया है और हम लोग खा रहे हैं। थोड़ी सी भूख लगी थी, वहाँ भी हमने थोड़ा बहुत वहाँ मुरमुरा उरमुरा मिल रहा था वही सारी चीज़ें खा ली थी तो ज़्यादा भूख नहीं थी। बट हम लोग मंगा लिए थे मंचूरियन और ये जंगली पनीर, तो काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट, तो हम लोग खा लिए थे। और खाना भी हमने यहीं से पैक करवा लिया था क्योंकि अब हम हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। तो सुख इस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ, साड़ी तो आप लोगों ने देखी थी, और अब हम जा रहे हैं केक काटने के लिए। तो कुछ इस तरह से घर में ही सिंपल सजा लिया था हमने, और कोई नहीं था, हम दोनों ही थे तो सिंपल सा हमने किया है। और एक में मैंने पॉच पहनी है और एक में चूड़ा हाथ में, एंड गले में मैंने यही डाला है, आप लोगों ने देखा है, गोल्ड डाल लिया है कान में, और बहुत सिंपल सा ऐसे ही जूड़ा बना लिया है मैंने क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा डेकोरेशन है और यहीं पे अब हम काटेंगे केक। तो चलिए आप लोग देखते रहिए और मैं भी जल्दी से कर लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा चेहरा देख के लग ही रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केक कटिंग। जा रहे हैं केक कटने, देख लीजिए हमारा केक और आप लोग भी खा लीजिए केक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिक्चर केक की और ये जला रहे हैं वही कैंडल, तो मैं बोली कि आप लोग पिक्चर ले लो और कैंडल जला रहे हैं। हम लोग खुद से ही सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि और कोई है नहीं, और कोरोना टाइम पे कोई किसी का कहाँ से आ पाएगा, और कोई मतलब ज़्यादा कोई नहीं था, हम दोनों ही थे और हम दोनों पूरा दिन घूमे थे आज, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हमने छोटा सा तब भी ये आके इतना सा डेकोरेट कर लिए थे, और बाबू बार बार केक को बलून को फोड़ रहा था, फेंक रहा था, तो यहाँ पे मैं इनको बोली कि मुझे टीका लगा दो, सिंदूर लगा दो, तो मैं बता रही थी तो वो कर रहे थे, मैं भी इनको टीका लगा दी थी, और क्योंकि खुद से ही करना है और कोई है नहीं तो कर लो भाई, जो है करना चाहिए वो तो करना ही चाहिए। बाबू बार बार उसको खींच दे रहा है, बैठ रहा है बेचारा, आज बहुत घूमा है, आज मैं उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई हूँ, तो फ्रस्ट्रेट भी हो गया है। तो यहाँ पे कैंडल जलाएं और अब हम कर लेंगे केक कट, और उसके बाद एक दूसरे को केक खिला देंगे, वही सारी सिंपल चीज़ें। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए आज, सच में बहुत मज़ा आया। हमारी तीसरी मैरिज एनिवर्सरी है, हर बार हम लोग दो ही लोग रहते हैं, बाकी हमारे मतलब जब पिछली बार हम क्वारंटाइन से मतलब 19 तक मेरा क्वारंटाइन था, उसके बाद हम लोग गांव से आए हुए थे तो क्वारंटाइन थे और फिर भी टाइम नहीं मिला था, फिर उस बार सब लोगों ने मिल के हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था बहुत अच्छे से, तो हर बार अच्छे से हो जाता था लेकिन इस बार भी अच्छे से ही हुआ। हम लोग पूरा दिन घूमते ही रह गए, खाना वगैरह भी हमने मतलब अपने लिए थोड़ा सा ही खाना हमने वहीं से पैक करा लिया था जहाँ से केक वगैरह लिया था, और नाश्ता वगैरह किया था, तो हैवी सा नाश्ता हो गया था हमारा, चाउमीन वगैरह मंचूरियन वगैरह खा लिया था हमने। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को केक खिला रही हूँ, और हमने कढ़ाई पनीर और रोटी पैक करवा लिया था, बाकी खाया नहीं अच्छे से क्योंकि भूख ही नहीं थी, इतना सब कुछ इधर उधर खा लिए थे ना, वहाँ जहाँ घूमने गए थे वहाँ पे भी खा लिए थे, मुरमुरा वगैरह और फिंगर चिप्स वगैरह मिल रहा था तो वहाँ पे भी खा लिए थे, तो खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी।
तो केक बहुत टेस्टी था, तो ये बार बार केक लेके खा ही रहे थे। और मैं चेतना को बोली कि मुझे पिक्चर्स दिखा दो कैसी हैं, देख लूँ। तो मैं केक रख दे रही हूँ और आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग खा लो प्लीज़, और प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रहो प्लीज़। अब हमारा यहाँ पे हो रहा है फ़ोटो सेशन, तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन रखी थी, उसके बाद ऑफ़ कर दी थी। बाबू चिड़चिड़ कर रहा था, तो फिर मैं चेंज वगैरह कर लूँगी जल्दी से। तो फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के बाद अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं बता रही हूँ कि खाना वगैरह हमने पैक करवा के ला लिया है, तो अब मैं चेंज करूँगी, बाबा को खाना खिलाऊँगी। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया, और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करके। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा पूरा दिन कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा और बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक।